एक खूबसूरत सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने चार बच्चों के साथ में रहती थी। उसी पास वाले एक पेड़ पर कबूतर भी अपने दो बेटों के साथ में रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया कहती है अपने बच्चों से, बेटा मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ बुलबुल कबूतर के साथ। तुम लोग अपना ध्यान रखना बेटा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बहनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम जाओ माँ भोजन के लिए। ठीक है मुनमुन बिटिया, तुम अपनी बहनों का अच्छे से ध्यान रखना। मैं बुलबुल कबूतर घर जा रही हूँ, उसे भी भोजन की तलाश में जाना है। बुलबुल कबूतर मुझे बुलाई थी। ठीक है बेटा अब मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते कबूतर घर पहुंच जाती है। टूनी को देखकर कहती है कबूतर, टूनी बहन तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी चलो टूनी बहन भोजन की तलाश में। हाँ हाँ बुलबुल कबूतर क्यों नहीं, चलो जल्दी। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। थोड़ी देर और वो उड़ते हैं, फिर दोनों पक्षी थककर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर कहती है कबूतर, टूनी बहन हम लोग कितनी दूर आ गए हैं फिर भी भोजन नहीं मिला, अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। टूनी बहन बुलबुल कबूतर तुम चिंता मत करो, भोजन मिल जाएगा, बस थोड़ी देर और मेहनत करनी होगी। जो मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है बुलबुल कबूतर। चलो थोड़ी देर और उड़ते हैं, शायद हम लोग को भोजन मिल जाए। फिर दोनों पक्षी उड़ने लगते हैं। जैसे दोनों थोड़ी देर और वो उड़ते हैं, दोनों पक्षी को भोजन दिखाई देता है। वो झट से जमीन पर आकर भोजन लेकर उड़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर कहती है कबूतर अपने बच्चों से, बच्चों ये लो भोजन, तुम लोग खाओ, तुम लोग को भूख लगी थी ना बच्चों, खाओ मेरे बच्चों, दोनों बांट करके खाना बेटा ये भोजन। ठीक है माँ हम लोग भोजन बांट के खाएंगे, अब हम लोग खाते हैं माँ ये भोजन। इतना बोलकर दोनों पक्षी भोजन खाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में दोनों पक्षी भोजन खा लेते हैं। फिर कहता है मोनू, माँ मुझे और भोजन खाना है, और लाकर के दो ना माँ मुझे भोजन, मेरा पेट नहीं भर रहा है माँ, दो ना माँ लाकर के। ठीक है बेटा मैं और भोजन लाकर के देती हूँ। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे, तभी टूनी चिड़िया वहां आ जाती है। बुलबुल कबूतर मेरे बच्चे को और भूख लगी है, वो सब और भोजन मांग रहे हैं खाने के लिए, भोजन की तलाश में चलो बुलबुल कबूतर। हाँ क्यों नहीं, मेरे बच्चे भी भोजन मांग रहे थे और खाने के लिए, तब चलो टूनी बहन भोजन की तलाश में। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। इधर कालू कौवा कहता है, अरे वाह, ये दोनों पक्षी भोजन की तलाश में गए हैं। आज मैं टूनी चिड़िया के बच्चों से बदला लूंगा। उस दिन सब पक्षियों के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना टूनी, तुम आज मैं तुम्हारे बच्चों से अच्छे से बदला लूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा उड़ते उड़ते टूने के बच्चों के पास पहुंच जाता है। तुम कौन हो, अभी मेरी माँ घर पर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। चुप करो तुम, मैं तुम लोग से बदला लेने आया हूँ। तुम्हारी माँ अभी घर पर नहीं है ना, इसलिए मैं आया हूँ, समझी छोटी चिड़िया। अभी मैं तुम सब बहनों को मार कर खून पीऊंगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। चुप करो तुम कालू कलूठा, आने दो माँ को, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी और माँ भी तुम्हें अच्छे से बताएगी। तू बहुत ज्यादा बोल रही है, तुझे सबसे पहले खाऊंगा, रुक जा। मुझे मत खा, मुझे माफ कर दो कालू कवा, मुझे माफ कर दो कालू कवा। माँ माँ तुम कहाँ हो, माँ आ जाओ माँ जल्दी सा, माँ बचा लो मुझे आकर के, माँ माँ मुझे बचा लो आकर के, प्लीज कालू कवा मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ कालू कवा। फिर कालू कौवा मुनमुन को खाने लगता है। थोड़ी देर में फिर दोनों पक्षी भोजन लेकर आने लगते हैं। टूनी देखती है कि कालू कौवा उसके बच्चों के पास है। वो तुरंत अपने बच्चों के पास आती है। मेरा बच्चा क्या हुआ, बच्चा तो मैं, उठा बच्चा मन मन बेटा उठो। अरे कालू कालू उठा, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, मेरा बच्चा ला करके दो, मेरे बच्चे को कितना दर्द हुआ होगा, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कालू कालू उठा, रुक जा मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी, रुको कालू कालू उठा। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा को पेड़ में रस्सी से बांधकर मारने लगती है। और मेरे बच्चे को मारेगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कालू कालू उठा, और मेरे बच्चे को मारेगा,
बोल कालू कालूठा और मारेगा, आज मैं तेरी जान ले लूंगी कालू कालूठा। मुझे मत मारो टूनी बहन, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा टूनी बहन, मुझे मत मारो टूनी बहन, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा टूनी बहन, मुझे माफ कर दो टूनी बहन। फिर कालू कावा की जान चली जाती है। फिर टूनी अपने बच्चे को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है और हंसी खुशी से अपने बच्चों के साथ में जिंदगी बिताने लगती है।